डियर व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि अगर आप हाइकिंग पे जा रहे हैं, फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी तफरी पे जा रहे हैं, कहीं जो है आप आउटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास वेपन होना चाहिए, आपको अपने साथ वेपन रखना चाहिए या अपने साथ वेपन नहीं रखना चाहिए। तो इसके ऊपर ये हमारा टॉपिक था, इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो आपके साथ दोस्तों शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आपके पास लीगल वेपन है, लाइसेंस्ड वेपन है, अगर आपके वेपन का लाइसेंस जो है वो आपके पास ओरिजिनल है, वैलिडिटी उसकी उस एरिया की है जिसमें आपने मूव करना है, यानी कि अगर पंजाब में आपने मूव करना है तो पंजाब में जो है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान के किसी दूसरे एरिया में जाना है तो ऑल पाकिस्तान लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास लीगल वेपन है, लाइसेंस्ड वेपन है, तो आपको अपने साथ ज़रूर कैरी करना चाहिए। अगर आप हाइकिंग पे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, फैमिली के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं, किसी तफरी, किसी सैर स्याही स्या इसमें सैर के लिए जा रहे हैं या सियाहत के लिए कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आपको अपने साथ दोस्तों ज़रूर अपना वेपन कैरी करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एमरजेंसी सिचुएशन आते हुए पता नहीं चलता, आपको ये नहीं पता आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ कैसे लोग होंगे, वहाँ कोई हादसा पेश तो नहीं आ सकता। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, अगर आप इसको ना भी यूज़ करें बट आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपका हौसला बुलंद रहता है कि आप जो है वेपन आपके पास है, हथियार आपके पास है, किसी एमरजेंसी सिचुएशन में आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, अपना, अपनी फैमिली का, अपने बिलोंगिंग्स का, अपनी प्रॉपर्टी, गाड़ी, किसी भी चीज़ को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वेपन नहीं होगा तो आप इसी सोच में, इसी कॉम्प्लेक्स में रह जाएंगे कि अब मैं अपने आप को किस तरह आप प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों हमेशा वेपन का पर्पस ये होता है कि आप इसको अपने पास रखें, कैरी करें, मगर अगर आपके पास लीगल वेपन है, लाइसेंस्ड वेपन है, तो अपने ज़रूरी कागजात जिसमें लाइसेंस, अपना शनाख्ती कार्ड, इनको हर वक्त वेपन के साथ कैरी करें, ताकि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपसे अगर किसी मकान पे चेक करके वेपन का पूछती है कि ये लीगल है या नहीं, तो आप अपना लाइसेंस प्रोड्यूस कर सकें, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी कि उसका जो है रिन्यूअल उसकी टाइमली होनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।